गाइस सत श्री अकाल गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस आज की वीडियो में हम बात करने वाले अपाचे के इंजन प्रॉब्लम के बारे में। सो जो से अपाचे ओनर्स हैं उनको पता होगा कि अपाचे में कुछ टाइम चलने के बाद थोड़ी उसकी इंजन की आवाज़ थोड़ी अजीब सी हो जाती है। मैं अभी आपको सुनाता हूँ। जैसे देखिए अभी बाइक मेरी गर्म है, पूरी हीट होने के बाद ये आवाज़ आनी शुरू होती है। जब बाइक ठंडी होती है तब ये आवाज़ नहीं आती। एक मिनट ज़रा सुनना। सो आपने सुना गाइस ये थोड़ी टिक टिक की आवाज़ है। अभी आपने सुनी इंजन की आवाज़ कैसी है। तो आपको गाइस वीडियो में थोड़ा लग रहा होगा कि इंजन थोड़ा ज़्यादा नॉइजी हो रहा है। हालांकि रियल में भी ये आवाज़ सुनती है, पर रियल में जो एग्जॉस्ट की आवाज़ भी ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि देखिए अगर मैं आपको थोड़ी पीछे से आपको आवाज़ सुनाने की कोशिश करता हूँ, देखिए यहाँ से थोड़ी इंजन की आवाज़ ज़्यादा आ रही है। क्योंकि जो माइक है ना वो कैमरे का सामने की वॉइस निकाल रहा है, तो सामने इंजन की आवाज़ है तो वो वॉइस बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादा वो कैप्चर कर रहा है वो वाली वॉइस। तो अभी हम जैसे पीछे आते हैं देखिए अब एग्जॉस्ट की आवाज़ भी आने लग पड़ी है। अभी अगर मैं यहाँ से रैप करूँगा ठीक है तब सुनना गाइस। अभी देखिए अभी आपको लग रहा होगा कि इंजन की आवाज़ एकदम सही है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा क्यों होता है इसमें। पहले मैं इंजन को ऑफ़ कर लेता हूँ क्योंकि तेल बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है। तो गाइज़ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अपाचे की ना मतलब आप इसे प्रॉब्लम नहीं कह सकते, मतलब ये अपाचे का एक नेचर ही है, उसके इंजन का एक नेचर है। वो आवाज़ ही ऐसे करता है, ऐसी आवाज़ निकालता है, मतलब वो वैसी आवाज़ निकालता है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइज़। हालांकि कई बार होता है, मुझे इंस्टा पे भी बहुत मैसेजेस आए और यूट्यूब के कमेंट्स में भी मैसेजेस आते हैं कि मेरी बाइक के इंजन की आवाज़ अजीब सी हो गई है कुछ चिर चलने के बाद। हमने कैम शॉट चेंज करा दिए, रॉकर चेंज करा दिए, टैपर एडजस्ट करवा दिए, तभी भी उसमें से आवाज़ नहीं जाती। ओ भरावा चुप कर जा, इसे पता नहीं क्या हुआ है, ये मुझे वीडियो नहीं बनाने दे रहा। इसे भगाता हूँ पहले यहाँ से। तो अभी गाइस मैंने भगा दिया अपने कौवे को। वो वापस आते हैं वीडियो के टॉपिक पर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये अपाचे के इंजन का नेचर ही है, और कई मामलों में गाइस होता है कि इसकी आवाज़ थोड़ी सी बदल जाती है। वो ऐसा इसलिए होता है गाइस क्योंकि अपाचे का जो रेव मीटर है ना, अगर आप इसे ज़्यादा भगाएंगे तो इसके हेड पर ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है, उसकी वजह से इसकी आवाज़ चेंज हो जाती है। आप दो चार चीज़ों का ध्यान रखो गाइस, तो अब आपकी आवाज़ जो है इंजन की वो चेंज नहीं होगी। सबसे पहले तो अगर आप सुबह बाइक को निकाल रहे हैं तो कोल्ड स्टार्ट कर रहे हैं, तो बाइक को डबल स्टैंड पर लगा के कोल्ड स्टार्ट कीजिए, या फिर बाइक पर बैठ कर उसको सीधा करके कोल्ड स्टार्ट कीजिए। क्योंकि कई बार होता है ना बाइक को कोल स्टार्ट करते हैं तो बाइक हमारी साइड स्टैंड पर ही खड़ी होती है, तो इंजन जो है एक लेवल पर साइड पे जाके अटक जाता है। अगर हम साइड स्टैंड लगा कर स्टार्ट कर देंगे तो इंजन वो पूरा ऊपर तक नहीं जाता हेड पर, तो फिर जो हमारे रॉकर वार में टैपेड्स हैं वो सूखे चल जाते हैं, मतलब उस तक इंजन पहुँचता नहीं है, तो वैसे ही वर्क करने लग पड़ते हैं, उसकी वजह से आवाज़ आनी शुरू हो जाती है इंजन में से। पहले मेरे साथ भी गाइस ऐसा हुआ है, आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी होगी, मेरे बाइक का पूरा इंजन ही रीबिल्ड हुआ था। तो रीबिल्ड होने के बाद भी इसकी आवाज़ सेम ही थी, तो मुझे भी नहीं पहले पता था कि अपाचे की मतलब आवाज़ ही ऐसी है, उसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सुबह अगर आप अच्छी तरह से कोल्ड स्टार्ट करोगे तो आपकी जो प्रॉब्लम नहीं आएगी। और उसके नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ जाती है वो होता है टैपर की एडजस्टमेंट प्रॉपर अगर अच्छी तरह से ना हो तो उसकी वजह से भी अपाचे में से इंजन में से अजीब सी आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। तो वो एडजस्टमेंट में आपको नीचे यहाँ पर शो हो रही होगी एग्जॉस्ट वाल्व की और जो इनर वाल्व होता है उसकी। सो आपको मैं सेटिंग्स यहाँ मेंशन कर दूंगा, उस हिसाब से अपने टैपर की एडजस्टमेंट करवा लीजिए, तो फिर भी आपके इंजन में से आवाज़ नहीं आएगी। हालांकि थोड़ी सी आवाज़ जो अपाचे की है ना, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इसकी आवाज़ ऐसी ही रहने वाली है। पर हाँ अगर आप कई बार होता है वो एग्जॉस्ट वाल्व जो है वो ज़्यादा टाइट करते हैं जिसकी वजह से इंजन की आवाज़ ज़्यादा आती है, तो एग्जॉस्ट की आवाज़ आती नहीं है, उसकी वजह से भी हमें कई बार लगता है कि इंजन की आवाज़ अजीब सी हो गई है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये बात है। तो नेक्स्ट गाइस इनका रीज़न है जो इंजन में से आवाज़ आने का है, वो है TVS वाला कोई इंजन ऑयल, जो कि वो कहते हैं वो फुली सिंथेटिक है, पर मुझे वो फुली सिंथेटिक लगता नहीं है। अगर आपको वारंटी का इशू नहीं है, मतलब आप बाइक की वारंटी को मतलब
जैसे 5 साल की वारंटी होती है इंजन के ऊपर हर कंपनी देती है, तो उसका फ़ायदा ये होता है कि अगर इंजन में से कोई भी दिक्कत आए तो वो कंपनी जो है वारंटी फ्री में करके देती है काम, आपको एक भी पैसा नहीं लगेगा। तो अगर आपको ये वाली चीज़ की टेंशन नहीं है वारंटी वगैरह की, तो आप बाहर से सर्विस करा सकते हैं और मोटुल का इंजन यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ना एक साइड में पिक्चर लगा दूंगा, उससे आप वो वाला ग्रेड का मोटुल का इंजन यूज़ कर सकते हैं, मोटुल या फिर लिक्विमोल या फिर कैस्ट्रोल। मतलब उस अगर आप यूज़ करोगे तो इंजन की आवाज़ भी कम होगी, वाइब्रेशन भी इंजन की कम होगी और चलाने में भी बाइक स्मूथ लगेगी। तो मैं तो अभी TVS का यूज़ कर रहा हूँ, अभी मैं 3-4 साल और TVS का यूज़ करूँगा बिकॉज ऑफ वारंटी इशूज़। वारंटी की वजह से फिर मुझे TVS वाला यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि अभी मैं इन कंपनी पर भरोसा नहीं कर सकता क्योंकि मेरे इंजन का काम पहले ही हो चुका है, तो अभी मैं दोबारा नहीं करवाना चाहता, अभी मेरी एक की सर्विस हुई है बाद में। तो अभी गाइज मैं आपको कंक्लूज़न बताता हूँ, मतलब सभी चीज़ें आपको समझा देता हूँ। अगर आपके इंजन के मतलब बाइक के इंजन में से अगर आवाज़ आ रही है तो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले तो बाइक की सर्विस होनी चाहिए, ऑयल फिल्टर और एयर फिल्टर ये दो चीज़ें चेंज होनी चाहिए, ये दो चीज़ें गाइस मस्ट होती है, कई शोरूम वाले ये चीज़ें नहीं डालते, तो ये आप ज़रूर गाइस चेंज करवा लिया करिए हर एक सर्विस पे, ऑयल फिल्टर और एयर फिल्टर। क्योंकि अगर आप ऑयल फिल्टर चेंज नहीं कराएंगे और न्यू ऑयल डालेंगे तो फिर वो ऑयल फिल्टर जो है पहले से गंदा होगा, तो वो ऑयल को फिल्टर क्या करेगा, तो न्यू ऑयल को भी वो गंदा कर देगा। तो ऑयल फिल्टर ज़रूर चेंज कराइए, क्योंकि इंजन ऑयल गाइस बाइक का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, एक ज़रूरी पार्ट है, वो एकदम सही होना चाहिए। तो यही गाइस 3-4 चीज़ें थी जिसकी वजह से मतलब बाइक के इंजन में से आवाज़ आती है और आवाज़ वो बढ़ जाती है। अगर आप ये 3-4 चीज़ों का ध्यान रखोगे तो आपके बाइक के इंजन में से जो है नॉइज़ बिल्कुल कम आएगी, ठीक है। मतलब सुबह कोल्ड स्टार्ट करना है अच्छी तरह से, सर्विस ही टाइम से करानी है और टैपड वगैरह एडजस्ट करवा लेने हैं। तो अगर आप ये चीज़ें करवा लेते हैं तो आपकी बाइक के इंजन में से कोई आवाज़ नहीं आएगी। तो नॉर्मल जो आवाज़ होती है बाइक की अपाचे की, मैं आपको सुनाता हूँ कैसी है, पहले भी वीडियो में सुनाई है मैंने, एक बार दोबारा सुना देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। अभी मेरे बाइक का इंजन एक तरह से हीटअप हो चुका है, मतलब बहुत तेज मैं चला कर आया हूँ इसे। तो गाइस ये जो आवाज़ है ये अपाचे की नॉर्मल आवाज़ है, अगर आपके बाइक में से इंजन के मतलब आपके बाइक के इंजन में से ऐसी आवाज़ आ रही है तो ये भी एकदम गाइस नॉर्मल है, आपको डरने की कोई बात नहीं है। हालांकि सो गाइस अगर आपने सब कुछ करा लिया, टैपड एडजस्ट करवा लिया, इंजन ऑयल वगैरह मतलब सर्विस वगैरह करा ली है बाइक की अच्छी तरह से, तो फिर भी बाइक के इंजन में से आवाज़ आ रही है, तो गाइस इसके जो है रॉकर होते हैं ना बाइक के, वो ख़राब हो सकते हैं, हेड में रॉकर्स होते हैं वो ख़राब हो सकते हैं, उसकी वजह से आवाज़ आती है, वो या तो ढीले हो जाते हैं या फिर वो ख़राब हो जाते हैं, उसकी वजह से ही आवाज़ आती है इंजन में से। तो मैं होप करता हूँ गाइस आपको वीडियो जो है समझ आ गई होगी, पता लग गया होगा कि वॉइस मतलब नॉइज़ कैसी आती है इंजन में, आप कैसे ठीक कर सकते हो। तो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको हेल्प मिली होगी इस वीडियो से। तो ऐसी बढ़िया सी गाइस वीडियो देख ले करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लेना। मिलते हैं आपको ऐसी बढ़िया अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।